अब यह पतन की तरफ है। यही राम राज्य है जहाँ बेरोजगार सड़कों पर चित्कार भरे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है 2024 के चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी, हम लोग सरकार बनाएंगे और अब ये शुरुआत हो गई है। श्रीमान जी, प्रधानमंत्री की करनी और कथनी में अंतर है, मुझे आप ये बता दीजिए। खाने को कुछ है नहीं, पेट भूखा है और आप खाता खुलवा रहे हैं, 15 लाख ढूंढ से मिलने रहे हिंदुस्तान में, एक मिसाल तो दीजिए। आपके खाते में आए क्या 15 लाख रुपए? आपके में आए क्या 15 लाख रुपए? वो सब ऐसा है, कब तक आप मुंगेरिया के हसन सपने दिखाएंगे? आप एक दिन हर चीज का वो है, अब ये पतन की तरफ है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जन आक्रोश रैली जो है इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। राहुल गांधी जी ने जो एक संकल्प लिया है भारत जोड़ो, वो मैं समझता हूँ कि जब से हमने राजनीति में हूँ संभाला है, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का 137 साल पुराना इतिहास है और ऑल इंडिया कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा शुरू की है, यह हमारे 2024 के लिए बड़ी मील का पत्थर साबित होंगे। हम लोग सत्ता में आएंगे, पूर्ण रूप से तैयारी है, कोई संकोच नहीं है। नहीं, देश जुड़ रहा है कांग्रेस के साथ, नहीं मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। इन लोगों को पसंद, इन्होंने कारण क्या है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर पूरे देश में दो रास्ते कर दिए हैं। अरे श्रीमान जी, आप जब उठा के तो देख लीजिए क्या मतलब क्राइम का चरम सीमा पर है। यही राम राज्य है जहाँ बेरोजगार सड़कों पर चित्कार भरे। क्या यही राम राज्य है जो 13 महीने यही सीमा पर किसान बैठ करके गए? क्या यही राम राज्य की कल्पना थी? राम राज्य क्या था? क्या चित्कार करती हुई महिलाएं, क्या ऐसे लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार व्यभिचार, क्या मंत्रियों के द्वारा उनके बच्चों के द्वारा किसानों को रौंद देना राम राज्य कहा जाता है? किस राम राज्य की आप बात करते हैं? राम के राज्य में तो स्थिति ये थी कि को नहीं करें परस्पर प्रीति, चलें स्वजन स्वरत सुत नीति, सारे लोग अपने रास्ते पर चलते थे और उस राम राज्य में बिना मांगे मौसम अपना जल देता था, पानी देता था, तड़ाक में पानी हो जाता था, फल मिलता था, वो राम राज्य था। श्रीमान जी, अगर बाबा योगी के राम राज्य किस राम राज्य में, मैं पूछ रहा हूँ, क्या राम मंदिर बना देने देश की बेरोजगारी खत्म होगी या वो महिलाओं का बलात्कार रुक जाएगा? बुलडोजर चलवाना योगी जी अपनी एक पहचान बना करके दहशत पैदा करना चाहते हैं। अगर अपराध मुक्त हो गया होता तो बुलडोजर क्यों चलता? बुलडोजर के रास्ते योगी जी सिर्फ दहशत फैलाना चाहते हैं देश में। एकदम ये समझ लीजिए जिसे आप अभी कह रहे थे ना कि क्या भारत जुड़ रहा है। भारत अगर जुड़ना देखना तो राहुल गांधी जी के साथ देखिए, जहां लाए नहीं जाते, बुलाए नहीं जाते, लोग आते हैं। योगी जी की एक सभा बताइए जहां पसे न लगती हो सरकारी। श्रीमान जी, उनके कार्यालय से राहुल जी गुजर रहे थे, उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए, लेकिन आपने राहुल गांधी को देखा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्यार से हाथ हिलाया, उनके अभिवादन लिया, उन्हें सम्मानित किया, ये राम राज्य। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ये प्रियंका गांधी जी की मेहनत की जीत है, कांग्रेस की जीत है, सोनिया गांधी के प्रति लोगों का जनता, वो सब तय हो जाएगा। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, न कोई विधायक टूटने जा रहा है, वो खरीद वाले विधायक नहीं, न ईडी और इनके सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। आपको पता है, अब तक आपने चोर सुने होंगे, लुटेरे सुने होंगे, जेब के लुटेरे, पर्स के लुटेरे, गहने के लुटेरे, गांव के लुटेरे, लेकिन आपने सरकार के लुटेरे अगर देखना तो केंद्र सरकार को देख लीजिए, वो सरकार ही लूट लेते हैं। मीडिया के महाने, मीडिया के रास्ते, वो भाजपा के नेता कह रहे होंगे जो ईडी और सीबीआई के सहारे सरकार लूटते हैं, और हमें तो नहीं लग रहा किसी मीडिया ने कहा। भैया, कुछ मीडिया जो गोद में बैठी हुई है, मैं उनकी बात नहीं करता, आप लोग भी तो मीडिया हो, मैं तो आपके चैनल आपके यूट्यूब से बने तो देखा नहीं कि आपने कहा विधायक छिपाए जा रहे हैं। अरे विधायक तो अपने क्षेत्र में जीत का जश्न मना रहे हैं, ये मैंने आपके YouTube चैनल्स पर देखा। ये डर तो पूरे देश में बैठा हुआ है कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को कब लुटेरे लूट लेंगे सरकार के हथियारों। बिल्कुल मध्य प्रदेश ही नहीं, मणिपुर से शुरू हुआ था, गोवा शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश तो बहुत बाद में 14वां राज्य था। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे बहुमत से कहां पर सरकार बनाई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, बाकी और जगह मुझे बता दे जहां वो बहुमत से आए हों, जहां उन्होंने सरकार न लूटी। येदुरप्पा की सरकार कैसे बनी? ये सीधे योगी की सरकार पर, बुलडोजर सरकार पर पूरा पूरा जनता की मुहर है कि सरकार अब 13 महीने जो किसान यहां पर पढ़ के बैठ के गए थे और उनके साथ जो धोखा दे करके घड़ियाली आंसू बहाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदा किया कि आप जाइए, आपकी सारी मांगे मानता हूं, तीनों कानून वापस ले ला। लेकिन आप बताएं कि क्या उस कानून वापस लेने के बाद क्या MSP से किसान को मिल रही है?
क्या बिजली बिल माफ हो गया, क्या कर्जे माफ कर दिया योगी जी ने 76,000 करोड़। अरे आप ये अपनी जेब से दे रहे हैं, वो ला कहाँ से रहे हैं? आपने खाद का दाम देखा क्या हो गया है? आपने बीज का दाम देखा क्या हो गया है? आपने डीजल देखा क्या हो गया है? जो किसान से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके दाम को आप देखें, यूं कान न पकड़ करके, यूं कान पकड़ने की जगह यूं कान पकड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं योगी जी। 2000 ऐसा है, किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहा है? उसका कारण यह है कि उसको बीज, खाद, डीजल और अन्य जो वस्तुएं हैं वो महंगी मिल रही हैं, और उपज जो है उसकी हो रही है तो वो सस्ते में बिक रही है, बिक भी रही है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और सड़कों पर जो है फसल उजड़ी जा रही है, उजाड़ी जा रही है, और किसानों को जो है आत्महत्या के लिए मोदी सरकार मजबूर कर रही है। ऐसा भी कम हुई है, ऐसा 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 होता है, गुजरात से मोदी जी आते हैं और गुजराती लोग वहाँ पे जो है ना व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग जो हमेशा जो है बीजेपी के साथ हैं, और व्यापारी लोग कौन है? गुजराती आप अडानी अबानी जो मोक्ष अपना वो भागे चौकसी जी, हर्षद मेहता जी, तो ये सारे गुजराती हैं, ये मिलकर छल से कपट से जो है ये राज लेना जानते हैं। आप हिमाचल में देखिए कांग्रेस सरकार आई, फुल मेजोरिटी आई और वहाँ पे दंगा फसाद नहीं होने दिया। हिमाचल की जीत 12 जोड़ों का एक हिस्सा भी है, और हिमाचल के लोग पहचानते हैं कि छल कपट में आने वाले लोग नहीं हैं, वो एक साहसी लोग हैं और देवभूमि से जुड़े हुए हैं, और उनको मालूम है कि मोदी जी रहेंगे तो उनकी बेरोजगारी भी जिंदा रहेगी, उनकी महंगाई भी जिंदा रहेगी, उनको जो है कामकाज नहीं मिलेगा, खेती का दाम नहीं मिलेगा, अब फल जो है सड़ रहा है उसका दाम नहीं मिल रहा फल का, तो हिमाचल में फल का दाम जो है कांग्रेस ही देती है, देती आ रही है। देखो खेत में किसान और सीमा पे जवान, ये नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया। अब जवान जो है रक्षा नहीं करेगा हमारी तो हमारे बच्चे कैसे सो पाएंगे, और किसान जो अगर अन्न पैदा नहीं करेगा तो पूरा देश कैसे खाएगा, बच्चे बलिष्ठ कैसे होंगे, जवान कैसे होंगे? और आप ये देखो कोरोना काल में क्या हुआ, किसानों की जो उपज हुई उससे ही अर्थव्यवस्था में सुधार आई। जो किसानों की, मोदी जी हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस था कि उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन आपने ज़बरदस्ती लगाई, उन्होंने बोला हमने वैक्सीनेशन लगाने के लिए किसी ज़बरदस्ती नहीं किया, जबकि घरों में जा करके पकड़ के वैक्सीनेशन लगाई गई, और उसका जो है कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ और कईयों की मौत भी हो चुकी है, तो उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार नहीं ले रही। ये तो एक रोटेशन होती है, जो G20 में देश हैं एक रोटेशन के मुताबिक हमारी रोटेशन मोदी सरकार के टाइम में आई है, तो मोदी सरकार कर रही है, मोदी सरकार की उपलब्धता से जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। बदलाव तो जनता चाह रही है, अब 12 जोड़ों में देखो आप राहुल गांधी के साथ साथ बूढ़ा जवान, नौजवान, बुजुर्ग, महिला सब एक अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं और उनको अपनी आत्मा से चाह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और जनता उमड़ के आ रही है। जो गोदी मीडिया है वो दिखा नहीं रही ना, और उल्टा दिखाता है, एडिटिंग करता है, इससे मोदी सरकार जो है डरी हुई है।